All right, लेट्स स्टार्ट We'll बी डूइंग सेप्टेंबर 2023 ट्वेंटी थ्री पेपर तुम लोग सब लोग टाइप करके करोगे ठीक है बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ टाइपिंग पेपर इसका पास मार्क इस पेपर का हुआ समवेयर अराउंड फिफ्टी फोर एक बार ब्रीफ ओवरव्यू ले लो जो सब लोग बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट था पेपर कितना डिफिकल्ट था समझ लेते हैं पहले सो इफ वी सी द एग्जामिनर्स रिपोर्ट पास मार्क कितना है फिफ्टी फाइव आउट ऑफ नाइन नाइनटी थ्री थ्री थर्टी वन क्लियर कितना हुआ हाथ थर्टी परसेंट ऑलमोस्ट हुआ विच इज नॉट बैड ऑब्वियसली वो सबको फिफ्टी परसेंट तो कभी नहीं रखेंगे इट्स प्रोफेशनल एग्जाम सो थर्टी परसेंट पासिंग है एंडी फोर फिफ्टी फाइव इज द पासिंग मार्क्स अप्रिल वाले पेपर में अप्रिल ट्वेंटी थ्री में इट वॉज समर अराउंडी टू या फिफ्टी वन या फिफ्टी टू ठीक है तो इसका हम लोग पेपर ए सॉल्व करेंगे हम लोग सब टाइप करके करोगे ठीक है लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन रीड करते चलो तुम लोग भी खोल लो पीडीएफ अपने खाली तुम लोग वर्ड फाइल खोलो ये खोलोगे पीडीएफ और एक वर्ड फाइल खोलोगे तो एकदम जैसे एग्जाम में हम लोग को करना है वैसे करेंगे सोल्यूशन मत खोलना कोई भी चलो लेट्स रीड स्क्रीन विजिबल है सबको कोई डाउट कोई दिक्कत आ रहा है तो प्लीज बोल देना चलो अ ली is a calendar year which has 366 days, including 29th february. this occurs once in every four years, and the most recent leap year was 2020. a group of people who were born on 29th february in different leap years meet for dinner once every four years when it is a leap year to celebrate their unusual birthdays. the number of people at the dinner 2020 mein log the is recorded as follows. बाय दर ऑफ बर्थ मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी का जो मीट हुआ था ट्वेंटी उसमें देवर थ्री पीपल हुई आ जाएगा एज ऑन ट्वेंटी ट्वेंटी उसका एज आ जाएगा वन ऑफ द ग्रुप डिसाइड्स टू एस्टिमेट द सर्वाइवल ऑफ द ग्रुप में फॉलो करे बी सी टू द ठीक है ये अपना हो गया बी ये अपना हो गया बी ये अपना हो गया सी कमेंट ऑन द चॉइस ऑफ द फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑफ मोटेलिटी टाइप करो सब लोग टू मार्क्स के सो एटलीस्ट वी नीड गुड टू पॉइंट्स गॉम्पर्ड्स लॉ है सबसे पहले तो इन केसेस में वी यूज सर्टेन कीवर्ड्स कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं सिंपल कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं कि हमारा जो पोर्स ऑफ मोटेलिटी है वो सिंपल है मॉडल जो है वो सिंपल है इजी टू एक्सप्लेन है इसका आपको पॉइंट फाइव मार्क्स मिलेगा और, और क्या बोल सकते हैं बताओ हम्म डिपेंड्स अपॉन एज एंड इसी में एक और पॉइंट आ जाएगा कि बी सी टू दी पार एक्स लिख रहे हो राइट सो एज योर एक्स इंक्रीजेज बी सी टू दी पार वेरी गुड शीज रिटर्न यूज फॉर मिडल एजड क्यू क्योंकि e हायर वैल्यूज तो आपका म्यू एक्सपोनशियली ग्रो करेगा सो इट इज गुड फॉर मिडल एजेस एंड हम यहाँ क्या देख रहे हैं हम यहाँ ऑलमोस्ट मिडल एजेस को ही डील कर रहे हैं क्या होगा नाइनटीन फोर्टी एट में जो ग्रुप है उसका एज क्या होगा उसका एज है सेवेंटी टू इसका और इसका तो वी आर डीलिंग हाँ मिडिल टू हायर एजेस मिडिल टू हायर एजेस आप बोलोगे मिडिल एजेस कहाँ से आप मानते हो फोर्टी फाइव इन ठीक है आप मिडिल एज किसको बोलते हो आप 50 मतलब फोर्टी फाइव अब मिडिल एज बोलते हो ना ऑब्वियसली अगर हम लोग 90 भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझे तो 45 फाइव अब तो मिडिल टू हायर एजेस के लिए ये हमारा मॉडल करेक्ट है और और क्या बोल सकते हैं तो so, यहाँ द एज ग्रुप इज बिटवीन सिक्सटी फोर टू सेवेंटी टू विच डील विद मिडिल टू हायर एजेस पूरा प्रॉपरली लिखना है टू मार्क्स इज कहीं मतलब नहीं की एक लाइन रैंडमली लिख के छोड़ दिया सो बी सी टू दी पार एक्स है एज वी सी एज एक्स इंक्रीजेस न्यू एक्स विल इंक्रीज एक्सपोनशियली एंड सो दिस इज गुड फॉर द मिडिल टू लोअर एजेस मिडिल टू हायर एजेस विच इज द केस ओवर ह्योर एनआर और क्या हो सकते हैं इसको हम लोग एक ये हो गया कि मॉडल कैसा है मॉडल को और इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या लगा के मेकैम लगा के मेखेम में अपने क्या करते थे ए प्लस बी सी कंसीडर द एक्सीडेंटल डेथ और बोलो और कोई पॉइंट्स अगर आ रहे तो कैन यू कमेंट सी दो तीन चीज तुम तो लोग लिख लो एक तो हम लोग कमेंट करते ऑन द मॉडल when you comment on the model you comment on VC to the power x the next thing which you comment is on the values of the parameters which we have taken we have taken b and c c ka jo value hai if you see is not very high to तो one dekh rahe ho one hai anything to the power one आपको बहुत ही वैसा सेम नंबर देगा राइट वन ही देगा आपको वन टू द पावर 10 आपको वन ही देगा तो वन के बहुत क्लोज है तो आप ये भी लिख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ द सी इज वेरी लो ओवर योर और वेरी क्लोज टू वन विच सजेस्ट कि जैसे हमारा एक्स इंक्रीज होगा इधर हमारा जो म्यू एक्स है विल विल नॉट ग्रो इट द द म्यू वैल्यू ऑफ म्यू एक्स विल ग्रो स्लाइटली एज योर एक्स इंक्रीजेस ठीक है द वैल्यू ऑफ सी इज रिलेटिवली स्मॉल और रिलेटिवली मेरे ख्याल से होना चाहिए क्लोज टू वन िटी इंक्रीजेज रिलेटिवली स्लो विथ एज बोलो क्या बोल रही हो पलक ठीक है तो उसका एक ही लाइन लिखना है जैसे मेखे हम लिख दिया एक ही लाइन क्योंकि टू मार्क्स है ठीक है एक ही ए, मतलब तुम लोग अगर कुछ इंप्रूवमेंट दिखा रहे हो उसका एक ही पॉइंट आना चाहिए इंप्रूवमेंट में देख से ज्यादा पॉइंट नहीं लिखेंगे अपने डन सबने लिख लिया एटलीस्ट फोर लाइन्स लिखना है हमेशा मान के चलो एक्चुअलीज में नॉट ओनली फॉर दीज पेपर्स बट ऑल्सो फॉर ऑल द पेपर्स हम लोग यही बोलते हैं कि टू मार्क्स है तो फोर पॉइंट्स लिखना है सिक्स मार्क्स है तो ट्वेल्व पॉइंट्स लिखना है दिस इज जनरल थिंग दैट वी फॉलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो कैलक्यूलेट द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल दैट विल बी एट द नेक्स्ट डिनर स्टेटिंग एनी एजम्पन्स यू मेक तो नेक्स्ट डिनर कब होगा अगर 2020 में अभी डिनर है नेक्स्ट डिनर कब होगा 2024 में उसमें कितने लोग होंगे इसका एक्सपेक्टेशन निकालने है? करो कैसे करेंगे एंड स्टेट द दैट यू मेक तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे सोचो अगर म्यू एक्स दिया हुआ है हम लोग को देखना है चार साल तक कौन जिंदा रहेंगे तो म्यू एक्स दिया हुआ होता है तो आप लोग एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल कैसे निकालते हो एस एक्स टी कैसे निकालते हैं यहाँ म्यू एक्स क्या है आपका जम्शन क्या लेते हैं अपने दिस इज सर्वाइवल का क्वेश्चन है ना ये वेरी गुड कॉन्स्टेंट बिटवीन टू इंटीजर एजेस पूरे साल थोड़ी कॉन्स्टेंट रहेगा तो आप लिखोगे बी सी टू दी पार सिक्सटी इसका क्या मतलब है ए सिक्सटी से सिक्सटी वन के बीच का म्यू एक्स बी सी टू दी पार सेवेंटी सेवेंटी से सेवेंटी वन के बीच का म्यू एक्स तो हम लोग बोल रहे हैं कि उस इंटीजर एज में आपका म्यू एक्स क्या है कॉन्स्टेंट है तो एक साल का सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी या तो ऐसे लिखते हो या प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू आप वन लिख दो क्या हो जाएगा एक्सपोनेशियल माइनस म्यू एक्स क्योंकि μx कॉन्स्टेंट है हिंट दे दिया ये एक अजम्पन है स्टेटिंग एनी अज़म्पशन्स बोला है ना इधर तो ये अज़म्पशन्स एक दे दिया अब तुम लोग खुद से थोड़ा सोचो एक बार नॉट डिफिकल्ट हम लोग को नेक्स्ट चार साल का सर्वाइवर निकालना है ना तो एक समझ 1948 में तीन लोग हैं ये तीन में से कितने लोग चार साल तक जिंदा रहेंगे समझ आया इनका एज अभी क्या है 72 है तो 72 से 73, 73 से 74, फोर ऐसे करके 76 तक निकालो लिखना स्टार्ट करो जब तक एक लाइन पहला लाइन लिखना स्टार्ट नहीं करोगे क्वेश्चन प्रोसीड नहीं कर पाओगे यू डोंट एंड थिंक फॉर ईच क्वेश्चन हाँ निकालो करेक्ट तो यहां पे तीन लोग हैं तो हम यहाँ पे स्ट्रेट अवे कैसे करेंगे हम लोग स्ट्रेट अवे यहाँ पे इसमें लिखेंगे थ्री पी विजिबल है बोर्ड थ्री पी सेवेंटी टू ओ सॉरी हाँ फोर पी होगा ये फोर क्योंकि चार साल है ना प्लस और ये तीन लोग हैं तो इसमें से ये क्या हो गया ये आपका क्या पार्ट हो गया ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल फ्रॉम सेवेंटी टू टू सेवेंटी सिक्स दिस यू मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ पीपल थ्री प्लस देन यू हैव एट पीपल इन टू इनका एज है सिक्सटी एट सो फोर पी सिक्सटी एट प्लस देन यू हैव एटीन मल्टीप्लाइड बाय फोर पी सिक्सटी फोर अब इसके लिए एक्सेल बेस्ट है सब अभी मेरे सामने एक्सेल खोलेंगे उसमें एक टेबल बनाएंगे क्योंकि हर एक के लिए निकालना है सेवेंटी टू है तुमको क्या निकालना है म्यू सेवेंटी टू यूज करना पड़ेगा ना तो ई टू पावर माइनस म्यू सेवेंटी टू फिर सेवेंटी थ्री का अलग यूज होगा सेवेंटी फोर का अलग यूज होगा तो यहाँ म्यू सिक्सटी फोर से लेके कहां तक जा रहे हैं अपने लास्ट म्यू क्या होगा सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव यूज होगा ना सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव तो वो एज का बना लो म्यू एक्स बना लो एंड ई टू दाइनस म्यू एक्स बना लो चलो करो क्विकली एंड टेबल बना के सब लोग दिखाएंगे एक्सेल में एक्स ये दो मिनट में बनेगा टेबल एक्सेल में बना ऑल बॉर्डर्स ऐड करो कैसे ऑल टच बी ए पूरा कहीं भी किसी भी सेल पे हो उस पे कर्सर पे जाओ कंट्रोल ए पूरा टेबल सेलेक्ट ऑल्ट एच बी ए शॉर्टकट ऑल्ट ये क्यों करें ताकि वो नॉन नेसेसरी बट वो एक अच्छा से प्रेजेंट हो जाए पूरा ऑल बॉर्डर्स ऐड हो गया फिर कंट्रोल ए किया हुआ है कॉपी करो उस पे जाओ पेस्ट करो वर्ड पे एक मिनट लगेगा खाली इसको पेस्ट करो सबको टाइप करना है मैं आके चेक करूंगी सबका 64 से सेवन 64, वाला आपका लास्ट वाले के लिए फिर बीच का चार और ये वाला चार तीन तीन तुम लोग यहाँ पे अगर एक और कॉलम बनाना है टू मेक इट मोर अंडर रीडेबल अगर आप लोग को वो चीज करना है तो भी आप लोग कर सकते हो कैसे बनाओगे यहाँ पे लिखोगे फोर पी एक्स ठीक है तो ये आप यहाँ पे, पे प्रोडक्ट ले लो चारों का यहाँ पे प्रोडक्ट ले लो चारों का यहाँ पे प्रोडक्ट ले लो चारों का इफ यू वॉन्ट टू इलेबोरेट दिस की कैसे निकाले हाउ मच मार्क्स फाइव ना एक चीज तुम लोग को याद है हम लोगों ने कॉपी में किया था हम लोगों ने म्यू एक्स दिया हुआ था तो फार्मूला डिराइव किया था टीपीएक्स का पूरा फॉर्मूला डिराइव किया था तुम लोगो को अगर वो टीपीएक्स का फॉर्मूला जी लिया था जी सी मतलब जी का वैल्यू क्या होगा वो पूरा डिराइव किए कॉपी में इफ यू ऑल रिमेम्बर तो तुम लोग और उसको आर में भी हम लोग यूज किए तो तुम लोग वो भी यूज कर सकते हो कोई इश्यू नहीं है ऐसा था वो फॉर्मूला मतलब अगर हम लोग देखें पी एक्स के लिए सो इट वॉज जी सी टू दि पार एक्स सी टू दी पार टी माइनस वन ये थे दे वेर जी वॉज क्या था जी कॉपी लेके आया तुम लोग कोई नोट्स का ये था जी याद आया ये पूरा डिराइव किए थे हम लोग क्लास में है ना तो डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हो बट इसका तुम लोग को रेफरेंसिंग देना होगा को रीडिंग क्योंकि ये तुम लोग फार्मूला लिख रहे हैं तो फार्मूला कहाँ से आया टेबल बुक में जो फार्मूला नहीं है उसका रेफरेंसिंग देना पड़ेगा को रीडिंग से तो फ्रॉम को रीडिंग सी एस टू को रीडिंग पेज नंबर चैप्टर नंबर वो देना पड़ेगा अगर तुम लोग ये अप्रोच यूज कर रहे हैं तो इंटायर स्क्रीन नॉट विजिबल क्या इतना ही स्क्रीन है और कोई स्क्रीन नहीं है मैं इतने एरिया में ही लिख रही हूं मैंने कहीं और कुछ एक्सप्लेटली नहीं लिखा है दिस इज द इंटायर स्क्रीन देखो ये और ये बस उसको अलग टेंशन हो गया इंटायर स्क्रीन नॉट विजिबल ठीक है आंसर क्या आ रहा है आंसर कैसे लिखोगे फिर एक्सपेक्टेड नंबर इज उसमें वैल्यूज इन करो और आंसर बताओ कितने पीपल आ रहे हैं पॉइंट्स में आएंगे एंड आपको वो नंबर पूरा लिखना है साइड पोर्शन इज ऑल्सो विजिबल गोधानी डोंट वरी देखो मैं खड़ी हो जाती हूँ इधर एंड इधर वो मैं हिल रही हूँ तुम्हारा मैसेज देखने उधर स्क्रीन उधर है कंप्यूटर का स्क्रीन पूरा विजिबल है भाई ये है स्क्रीन हमारा इधर और इधर कृतिका ने आंसर दिया ट्वेंटी एट पॉइंट फोर सिक्स सेवन विच इज करेक्ट ट्वेंटी एट पॉइंट फोर सेवन इज तुम लोग दोनों अप्रोच यूज कर सकते हो अगर मैं तुम लोगों की जगह होती आई वुड हैव है दिस अप्रोच एक्सेल वाला अप्रोच क्योंकि मेरे को पहली बात तो ये फॉर्मूला जरूरी नहीं याद रहे और दूसरी बात मेरे को टेबल मटेरियल खोल के चेक करना होगा कौन से पेज में नहीं लिखोगे प्लेजरिज्म का मेल आ जाएगा क्या बोल रहे तुम ट्वेंटी एट पॉइंट फोर सेवन इज द आंसर तो एजाम्शन कौन से बनाए हमने वेरी गुड बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव एंड टीचर टीचर्स ठीक है नेक्स्ट आंसर <coughs> आया सबका लिखा दिखाओ कैसे लिखा है अजम्पन लिखा हम्म वेरी गुड तुम वो फोर्थ कॉलम भी बना सकते हैं। हाँ टीपीएक्स का क्यों बनाने बोल रही हूँ मैं नहीं तो तुम लोग एक का दिखा दो एटलीस्ट एक का खाली वॉकिंग दिखाओ कि टीपीएक्स कहाँ से आ रहा है मतलब तुम लोग खाली टेबल पेस्ट कर दोगे एग्जामिनर्स रिपोर्ट इज जस्ट एन इंडिकेटिव सोलूशन इसके अकॉर्डिंग अगर अपने लिख के आएंगे अपने को फाइव में से टू पॉइंट फाइव मिलेगा ये पूरा स्टेप्स नहीं लिखते हैं ये बहुत आलसी होते हैं पूरा स्टेप्स नहीं दिखाते हमें क्यों दिखाएंगे भाई आप खुद से करो आपको टीपीएक्स लिखना है मतलब आप नीचे में इधर एक का खाली दिखा दो वेर फोर पी एक्स इज इक्वल टू नंबर है दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस मल्टीप्लाईड बाई दिस क्लियर हो जाएगा सारे नंबर सेम थोड़ी आ रहे हैं ये सारे नंबर अलग है ना तो फोर पी एक्स इक्वल टू दिस मल्टीप्लाईड बाई दिस ऐसे करके चारों को मल्टीप्लाई कर दो एक दिखा दो खाली बस एक नीचे इस टेबल के नीचे वेर फोर पी लेट्स सपोज लेट्स सपोज हम बोल रहे हैं वेर फोर फोर इज जो भी आपका नंबर है ठीक है चारों नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखा दो इक्वल्स टू जो आपका आंसर आ रहा है इफ यू आर नॉट मेकिंग दिस फोर्ट फोर्थ कॉलम इवन इफ यू आर मेकिंग दिस फोर्थ कॉलम ये दिखाना ही पड़ेगा कैसे समझ आएगा तुम लोगों ने कैसे निकाला है नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू मेंबर बॉर्न ऑन ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन फेबर मतलब उसका एज क्या है ट्वेंटी ट्वेंटी में आई ट्वेंटी ट्वेंटी में एज क्या है उसका सिक्सटी एज सिक्सटी हो गया ना इस न्यू मेंबर का ग्रुप कैल्कुलेट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिनर्स फॉर दिस में अप टू एंड इंक्लूडिंग ट्वेंटी नाइन फेब्री ट्वेंटी फोर्टी इफ ईच डिनर कॉस्ट सिक्सटी पर पर्सन इग्नोरिंग द इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन सो ट्वेंटी नाइन्थ फेब्री अब ये ये पूछ रहा है ग्रुप ज्वाइन करेगा तो तुम लोग कब से गिनना स्टार्ट करोगे ट्वेंटी ट्वेंटी से स्टार्ट करोगे कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर से स्टार्ट करोगे ये भी क्वेश्चन है और कितने लीप लीपियोर आएंगे वो लेना है उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इन दैट लीपियोर इन टू सिक्सटी विल गिव यू द आंसर एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैसे निकालोगे खाली नंबर ऑफ इयर्स इन टू सिक्सटी थोड़ी कर देंगे वो मर गया तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज सर्वाइवल इन ईच ईर तो अगेन जो टेबल बनेगा वो योर का कॉलम 2024, 2028 ऐसे करके 2040 तक प्रोबेबिलिटी ऑफ उसका सर्वाइवल विच इज अगेन वॉट आज से 860 से स्टार्ट करोगे तो so, तुम्हारा uh, 60 वो है कब आज 2020 में वो 60 है फोर पी सिक्सटी एट पी सिक्सटी है ना क्लियर ट्वेल्व पी सिक्सटी सिक्सटीन पी सिक्सटी ऐसे करके निकाल लें प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल आया और फिर उसके बाद डेट मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी एंड सबको एड विल गिव यू द एक्सपेक्टेड कॉस्ट करो खुद से करेक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर से स्टार्ट करो ट्वेंटी ट्वेंटी का तो हो ही गया तो तुम लोग सबसे पहले लिखोगे द न्यू मेंबर्स एज एज ऑन ट्वेंटी नाइन फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी इज सिक्सटी ठीक है वी नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन सर्वाइविंग फॉर ऑल द योर्स फॉर ऑल द लीप योर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी फोर अप ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है अगेन यूजिंग द एजम्शन दैट म्यू एक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिटवीन द टू इंटीजर एजेस फॉर्मूला दे दो एक्सपेक्टेड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा क्या होगा बोलो एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगा सिक्सटी मल्टीप्लाइड बाय फोर पी सिक्सटी ये हो गया योर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एट पी सिक्सटी ये कहां तक जाएगा आज ट्वेंटी ट्वेंटी पे खड़े ट्वेंटी फोर्टी विल बी द लास्ट तो अरे तो योर्स तो बताओ कितना साल जिंदा रहेगा अली यर में मर सकते है। क्या वो ये होगा ना दिस इज द लास्ट योर अब इसके लिए भी वो टेबल बना लो बट वो टेबल अब वापस से एज का बनाना पड़ेगा सिक्सटी से स्टार्ट करेंगे एज कहां तक जाएगा सेवेंटी नाइन तक जो हम लोग पहले बना रहे थे ना एक्स ये तुम लोग का जाएगा कहां से कहां तक सिक्सटी से सेवेंटी नाइन तक ये हो गया फिर सिमिलोरली म्यू एक्स फिर e टू दी पावर माइनस करो सोचो मैं इतना एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा अब अगर तुम लोग इंटेलिजेंट है तो तुम लोग यहीं पे फोर पी एक्स का बना लेना फोरपीएक्स का तुम लोग कैसे बना रहे हैं मतलब तुम लोग यहां लिख रहे हैं क्या जिससे हो गया फोर पी सिक्सटी फिर एज जब तुम्हारा फोर है तो वहां एज जब सिक्सटी एट है वहां ऐसे करके लिखा है ना तुम लोग खाली वही वही लिखना है फोर पी एक्स लिखियो एक्स सिक्सटी एक्स सिक्सटी फोर 68 एट और लास्ट वाला अपना रहेगा सेवेंटी सेवेंटी सिक्स पर वेरी गुड और अगर मतलब आई एम वेरी वेरी पेसिमिस्टिक पर्सन मेरे को बहुत डर लगता है एग्जाम में कि भाई प्लेजरिज्म ना आ जाए या एग्जामिनर को हो सकता है नहीं समझ में आए वो थोड़ा कम उसको समझ आता हो तो इक्वल्स टू देखे खाली पहले वाले में लिख दो कि कैसे निकाले वाल्यू इन चारों वैल्यूज को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट मल्टीप्लाई करके तो एक समझ जाएगा कि कैसे निकाले उसको समझ आ जाएगा आपने सारा कैसे निकाले एक और अगर कॉलम बनाना है टू मेक इट मोर इजी फॉर यू 4p60, 8p60 ये भी तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो तो यहां पे तुम लोग लिखोगे जस्ट आई थिंक टी कर सकते हो ये भी नहीं तो फिर इसके लिए तुम लोग नीचे भी अलग से बना सकते हो कोई इशू नहीं है बोलो क्या बोल रहे हैं वे 4p पी एक्स हाँ वेरी गुड ये भी एक अच्छा चीज बोला ये बोला कि फोर पी ऐसे लिखाइए फोर पी एक्सेस ई टू दी पार माइनस म्यू एक्स ई टू दी पार माइनस म्यू एक्स प्लस वन वेरी गुड जनरलाइज कर दिया कि इतना मेहनत नहीं करना पड़े ये भी कर सकते हैं वेरी गुड यश क्लियर आंसर बताओ एवरी थिंग इज क्लियर माई हैंडराइटिंग माइट बीटिल बैड बट आई थिंक होगा आई एम गेटिंग हैंड राइटिंग थोड़ा हो सकता है आप लोग का भी कोई ग्रेट नहीं है वैसे तो कैसे टाइप करियो देखो तुम लोग ग्रुप में वर्ड फाइल भेज सकते हो फॉर माई की वर्ड्स क्या लिखी हो ओ वैसे हाँ ठीक है ठीक है वेरी गुड तुम लोग को समझ में एक्सेल से पेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा कंट्रोल ऑल डेट बी ए कॉपी पेस्ट खत्म बॉर्डर्स ऐड नहीं करने से बहुत लगता है क्लियर है सबको वेरी गुड यश अदर्स हेमंत कृतिका मंजरी सब एक बार यस लिख दो और सब लोग एक अगर वर्ड फाइल भेजना चाहते हैं बीच बीच में तो भेज सकते हैं म्यूट ओ, अब कौन सा स्विच बंद हो जाएगा बंद है कैमरा लाइट बंद हुआ ब्लू लाइट जल रहा है Are हेलो हेलो तुम लोग जो बोल रहे ना तुम लोग समझा नहीं कि ये मैंने क्या किया है ये मैंने इसके लिए किया है टू कैलकुलेट दिस एट पी सिक्सटी क्या होगा फोर पी सिक्सटी इंटू बोलो फोर पी सिक्सटी फोर ना ये उसके लिए है ये वैल्यू उसके लिए है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ना 80, वो अलग है वो अलग है आंसर क्या आ रहा है सबका प्लीज बताओ एक्सपेक्टेड कॉस्ट कृतिका ने बोला टू एटी थ्री पॉइंट नाइन वन करेक्ट यू ऑल कैन डू वन मोर थिंग विच आई वुड हैव डन ये नहीं करके ये लिखा फोर पी सिक्सटी इधर निकाल चुके हैं ये वाला एट पी सिक्सटी ये दोनों को मल्टीप्लाई करके निकलेगा तो ये पूरा वैल्यूज इधर फीड इन करो ना एट पी सिक्स मल्टीप्लाई करके मत लिखो एट पी सिक्सटी क्या है दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस वो उधर लिखो प्लस ट्वेल्थ पी सिक्सटी क्या है पहला तीन का मल्टीप्लाई और तुम लोग को क्या करना है कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट ही तो करना है ये वाला कॉपी कर लिया फिर इसको कॉपी किया इनटू दिस नया वाला वैल्यू समझ रहे हो आई वॉन्ट ऑफ यू ऑल एक एक सम होते जाए कॉपी पेस्ट करके भेजो ग्रुप में मतलब वो एटलीस्ट वर्ड फ़ाइल लिखो तुम कैसे रिप्रेजेंट किया दिखाओ घुमाओ स्क्रीन ठीक है ठीक है Be, make it very, very self explanatory. Answer is Answer Gaya two eighty three point nine one. Okay, expected cost. Coming back to question number two. इजी क्वेश्चन वेरी 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 इजी क्वेश्चन थर्टीन मार्क्स अब कहा अच्छा तुम लोग बताओ तुम लोग खुद से बताओ इस पूरे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कहीं डिफिकल्ट था क्या क्या डिफिकल्ट था पता है प्रेजेंटेशन टाइपिंग एंड प्रेजेंटिंग एंड ये देखना की कि कितना टू मच है और कितना टू लिटल है एकदम कम भी नहीं लिखना है और भर भर के भी नहीं लिखना है 13 मार्क्स आता है तो ये नहीं तुम लोग उसको लिखते ही चला गया ठीक है तो देर शुड बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन टू मच एंड टू लिटिल बहुत लिखने लग जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ ये एक थोड़ा स्लाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं इस पेपर में नॉट वेरी बट एक बार पढ़ने में थोड़ा था लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ आई आई डी डेमोन्स्ट्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स एन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है पीडीएफ की सी डी एफ कैपिटल एफ लिखा है अगर कुछ और नहीं तो डेंसिटी फंक्शन इज पी डी एफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज सीडीएफ तो सी डी एफ है आपको दिया हुआ है इनपुट्स अपने क्या ले रहे हैं देख लो बी एन बीटा एन एक्स और एल्फा एन दिस एंटायर थिंग टू अंदर वाला पार्ट है फंक्शन मतलब सी डी एफ वाला पार्ट हो गया अपना ओवर द रेंज ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्सएन इन द फॉलोइंग केसेज एक्सएन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन जीरो से वन एल्फा एन का वैल्यूज दिया हुआ है बीटा एन का वैल्यू दिया है ए जीरो दिया है बी वन दिया है सी माइनस वन दिया है तो ये अपने तीन पैरामीटर्स हैं बी ए और सी एंड यहां भी एक आपका सी है एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बीटा एन एक्स है प्लस अल्फा एन है गॉट इट एक बार देख लो कोई डाउट आ रहा है तो एक्स एन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर जीरो टू वन एक्स एन हैज द टू पैरामीटर विद दिपा वन बाय डेल्टा माइनस वन बीटा एन दे दिया है अगेन ए बी ये दो अलग अलग है केसेस सेम केसेस नहीं है ऑब्वियसली इधर एल्फाइन कुछ और चौरे तो ये दो अलग केसेस हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिजल्ट इन पार्ट वन अच्छा पहले तो पार्ट वन करते हैं चलो डेमोन्स्ट्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है करो एक बार कैसे करेंगे पहले दो तीन बार क्वेश्चन रीड करके बताओ किसी को कोई भी अनम्यूट करके तुम लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो या तो अनम्यूट करके तुम लोग का वॉइस आज ऑडिबल नहीं होगा कर दो ए और बी के लिए अलग अलग करने ऑब्वियसली तुम लोग को प्रूव करना है दैट दिस इज इक्वल टू दिस 嗯。Mm. सेकेंड रुको पहला पार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट खुद से करोगे तुम लोग क्या बोला है एक्सएन के लिए यहां पे क्या बोला इसका हम लोग को सीडीएफ सॉल्व करना है दिस शुड बी इक्वल टू एल एच एस इक्वल टू आरएचएस प्रूव करना है एक्सएन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर जीरो अगर मैं बोलूं एफ एक्स एक्स माइनस ए बायीएफ होता है सी डी एफ क्या होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्विकली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सी डी एफ क्या होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सी डी एफ क्या होता है हाँ कृतिका दैट इज व्हाट वी हैव टू डू बट टेल मी व्हाट इज द उसके बिना आगे कैसे बढ़ेंगे कोई नहीं बता पाया अभी तक अरे बोलो क्या टेबल बुक का पीडीएफ नहीं है तुम लोग के पास वहां पे टेबल बुक है यहाँ पे देखो यहाँ पे कहीं पे इसमें या फिर रूम थ्री में सी डी एफ टाइप करके बताओ वेरी गुड एक्स माइनस ए माइनस ए क्यों है सर तुम लोग हम बोले वो पीडीएफ है तो तुम लोग में बात मान जाएगा अब पीडीएफ क्या होता है बताओ यूनिफॉर्म कंटेनअस यूनिफॉर्म है हाँ वेरी गुड वन बाय बी माइनस ए छोड़ दो ठीक है तो ये हो गया अपना ए क्या है जीरो बी क्या है अपना ये है भाई देख लो तो तुम लोग को अगर मैं एफ एक्स निकालने बोलूँ, तो तुम लोग एफ एक्स ऐसे निकालोगे ना अब एक्स के जगह पे कुछ और डाल देंगे C डी डाल देंगे तो एबीसीडी माइनस ए बाई बी माइनस ए लिखोगे ना तो वो एबीसीडी जो है दिस इज दिस सो दिस इज नथिंग बट समझ लो पहले फिर लिखना है पार्ट वन पार्ट टू खुद से करना है सो दिस इज नथिंग बट बीटा एन एक्स प्लस तुम लोग को विजिबल है स्क्रीन दिख रहा है क्लियरली ये कि छोटा नहीं है ठीक है प्लस अल्फा एन माइनस जीरो डिवाइडेड बाय वन माइनस जीरो ठीक है ना टू दी पार एन क्लियर कि ये थोड़ा अजीब है कुछ नहीं है ये सी डी एफ है किसका, यूनिफॉर्म जीरो कॉमा वन का तुम लोग एफ एक्स करो ना एक्स की जगह पे कुछ भी डालेंगे तो ये डाले हमने ठीक है ये हो गया अब इसके बाद बीटा एन को सब्सिट्यूट करो बीटा एन इज वन बाय एन वन बाय है ना हाँ वन बाय एन इन अरे डॉट नहीं लेता इसमें दो मिनट लगेगा इसको खाली बस हो गया आई थिंक तुम लोग ही में से फास्ट टाइप कर लेगा आज तो वन बाय एन इंटू एक्स एल्फाइन क्या है वन माइनस वन बाय अब इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो वन माइनस वन माइनस दिख गया एक तो ये वन जहां दिख गया वन को अलग से निकाल लेंगे वन बाय एन कॉमन दिख गया अरे बोलो उसके बाद अंदर में ये वन हो गया अपना प्लस एक्स और कुछ है नहीं है ठीक है इस फॉर्म में आया अब इसमें एबीसी के फॉर्म में लिख सकते हैं सी क्या दे रखा है इन्होंने सी इज माइनस वन यहाँ पे माइनस होना चाहिए था ना आइडियली प्लस नहीं होगा ये प्लस कैसे होगा माइनस होगा ना माइनस माइनस प्लस होगा तभी तो ये वाला अब इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो खाली वन बाय ये होल्ड टू दी पार एन है ये मत भूल जाना वन माइनस क्या है प्लस सी ये पूरा लिख दो वैसी फिर पूरा उस फॉर्म में लिख के तुम लोग अब लिख सकते हो वैसी इज माइनस वन ए इज जीरो बी इज वन क्लियर इस पूरे का फर्स्ट पार्ट का मिलेगा टू एंड हाफ मार्क्स ये टोटल सिक्स मार्क का है पहला वाला टू एंड हाफ का है दूसरा वाला थ्री एंड हाफ का सेम परेटो के लिए करेंगे परेटो का सी डी एफ क्या होता है वन माइनस परेटो का सी डी एफ क्या होता है वन माइनस लामडा बाय अरे वन one... परेटो अल्फा कॉमा लामडा का बताओ परेटो अल्फा कॉमा लामडा का सी डी एफ क्या होता है वन माइनस करो सब्सिट्यूट करके करो लैमडा की जगह पे लैमडा ही है अल्फा की जगह पे डेल्टा है क्लियर है ये फर्स्ट पार्ट यस yes, लिख दो अगर फर्स्ट पार्ट क्लियर है तो क्लियर uh, क्या नहीं हेमंत तुम किस चीज के लिए नहीं लिखा है ये हटा दे ही पैक इंड डू द सेकेंड पार्ट मतलब पार्ट बी स्क्रीन क्लियर नहीं है बाकी सबके लिए क्लियर है तुम्हारे लिए क्लियर क्यों नहीं है क्या होगा वन माइनस तुम लोग पूरा पूरा लिख रहे हो वर्ड्स में कि तुम लोग जैसे भी तुम लोग को कन्वीनियंट लगता हो टाइपिंग में लैमडा प्लस एक्स एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे प्लस अल्फा एन योगा स्टार्टिंग पॉइंट सबस्टिट्यूट करो अब बेस्ट चीज है इसको उल्टा कर दो उल्टा करने से क्या होगा एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा बी क्या बोला है वैल्यू क्या बोला है बोलो बी का वैल्यू क्या बोला है एन एन बाय डेल्टा

क्वेश्चन पेपर देखने दो तुम लोग अपना क्वेश्चन पेपर ओपन रखो क्वेश्चन पेपर में क्या दिया है अल्फा एन से बीटा एन सही बोला ठीक है ताकि वो इजी होगा ना अब सॉल्व करने में तुम लामडा लामडा को वन कर देगा माइनस डेल्टा कर देना इसको अब ओपन कर दो तो बेसिकली हो जाएगा वन प्लस इस वे से रिप्रेजेंट करना ना जो इसमें तरीका दिया हुआ है पूरा इस वन माइनस वन बाय एन बेसिकली तुम लोग को कैसे जैसे करके इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाना है वन माइनस वन प्लस इसको कैसे लिखेंगे वन बाय एन कॉमन लिया इन्होंने अरे मतलब जो हम लोग को इस तरीके से लिखाना है ना वन माइनस वन प्लस है ना अंदर क्वेश्चन में क्या है हम्म वन माइनस अच्छा एक सेकेंड रुको इधर एक वन बाय एन आएगा अब बोलो करो खुद से ट्राई करो उसको सॉल्व करने का इसमें आई थिंक एक मिस्टेक कहीं हो रहा है एन मिसिंग है कहीं लैमडा प्लस बीटा डेल्टा है तो उधर एक सेकेंड रुको वन माइनस लैमडा प्लस बीटा एन अच्छा बीटा एन मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है बीता क्या है एन टू दी पार वन बाई डेल्टा प्लस अल्फा एन क्या है N, हाँ अच्छा ये वाला और ये वाला ही कैंसिल आउट हो गया ना ये मेरा नहीं हो रहा था ये लामडा लामडा कैंसिल आउट हो गया इसके बाद क्या बचा इसके बाद क्या बच रहे एन वन बाय डेल्टा एक्स प्लस लामडा एन वन बाय डेल्टा ये है अब वन बाय एंड कॉमन ले लो अब हो जाएगा क्योंकि अगर तुम लोग देखेगा इसको तुम लोग इंडिविजुअली करो मतलब ये अंदर ले लो एक बार देख लो प्लीज आई एम नॉट शोइंग ऑल द स्टेप्स n टू दी बार वन बाय यहां तक क्लियर है सबको क्लियर है यहां तक एक बार चार्ट बॉक्स में देखने तो मेरे को क्या लिखा है क्वेश्चन पेपर वाला स्क्रीन नॉट क्लियर अच्छा ठीक है तो मैं यहां लिख रही हूं अब क्लियर है ना इसीलिए मैंने यहां लिखना स्टार्ट कर दिया देखो लैमडा लैमडा कैंसिल आउट हो गया ये आ गया अब इसको अगर तुम लोग ब्रैकेट खोल दोगे ठीक है तो ये क्या कर रहे हैं अगर हम लोग खाली ये पार्ट समझे ये पार्ट क्या है एन टू दी पावर वन बाय डेल्टा एक्स बाय लामडा होल टू दी पावर माइनस उल्टा अगर कर दे वन, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा लामडा लामडा बाय एन टू दी पावर वन माइनस वन बाय नहीं उल्टा क्यों एक सेकेंड ना 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 एक सेकेंड एन टू दी पार वन बाय इन टू एक्स ठीक है डेल्टा का वो हटा दिया अब अगर खोलो तो ये ये कैंसिल क्या बचा बोलो येस और नो तो वन बाय एन कॉमन आ रहा है इधर सेम इधर वन बाय कॉमन आएगा तो वन बाय वन बाय कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में क्या बचेगा करूं सेम उस केस में यहां तो कुछ ही नहीं बचेगा अगर तुम लोग इस वाला को लेगा तो यहां क्या आएगा लैमडा बाय लैमडा एन टू दी पार वन बाय डेल्टा होल टू दी पार डेल्टा ये ये कैंसल हो गया खाली बचा वन बाय एन तो ये ये वाला अपने पार्ट इधर लिख देंगे वन अगर तुम लोग क्वेश्चन आरएचएस देखो आरएचएस में क्या है क्वेश्चन का जो आरएचएस है उसमें क्या है वन माइनस वन बाय एन फिर यहाँ एक वन है फिर प्लस है हाँ बोलो हाँ कर सकते हम्म hmm. करेक्ट तो फिर मत करो ऐसे नॉर्मली लिखो नॉर्मली सॉल्व करो इसको नॉर्मली भी सॉल्व हो जाएगा इन लोग क्या किए हैं माइनस डेल्टा इन्होंने डायरेक्टली इन, इसके अंदर में इन्होंने एलसीएम ले लिया है हरा इसके अंदर ही इन लोग शायद एलसीएम ले लिया लैमडा इनटू टू वन माइनस लैमडा प्लस बीटा प्लस एन एक्स प्लस अल्फा एन एक्स ठीक है ये वाला पार्ट फिर इन लोग किया है लैमडा इन टू लैमडा कैंसिल हो गया लैमडा इन टू एन होल टू दार ठीक है ये वाला एन टू दार ठीक है फिर हम लोग किया है वन माइनस वन बाय एन हम्म करेक्ट नहीं कर सकते ऐसे हम्म hmm. ये चीज गलत हो जाएगा कैसे कर सकते हैं ये तो होल टू दार है ना इंडिविजुअल नहीं है तो इसको अपने अगर नॉर्मली सॉल्व करें नॉर्मली इसके अंदर का पार्ट देखो इसके अंदर इसके अंदर के पार्ट को अगर मैंने वन बाय एन लिख दिया कॉमन में यहां अब इसको ब्रेक तुम लोग ब्रेक तो कर ही सकते है इसको तुम लोग ब्रेक करके अगर समझेगा तो एन टू दी पार वन बाय लामडा एक्स टू दी पार लामडा है डिवाइड बाय लामडा सॉरी प्लस लामडा लामडा कैंसिल एन टू दन बाय डेल्टा है अब इधर इसके अंदर वन बाय एन ले लो कॉमन प्लस ये वन हो गया प्लस में क्या टर्म रहेगा इधर ले लो वन बाय कट जाएगा पहले एक बार लिख लेते हैं वन बाय एन माइनस वन बाय डेल्टा हो जाएगा ना कॉमन में यस और नो वन प्लस क्या बचा एक्स बाय अब देखो सही है अब सही है अब इसके बाद क्या करेंगे अब तो कैंसिल हो सकता है अब क्या कैंसिल होगा दिस एंड दिस खाली इस वाले के लिए अंदर वाला तो रहेगा ही खाली इस वाले के लिए कैंसल होगा तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूं माइनस डेल्टा बेसिकली ये माइनस डेल्टा जो है वो खाली इस पोर्शन के लिए है देख लो एक बार वन माइनस वन बाय एन इन वन प्लस एक्स डिवाइड बाई लामडा होल होल टू दीपा माइनस डेल्टा ये एन अब इसको इनका क्या था क्वेश्चन में ये वाला पार्ट यहाँ तक सही है अपना फिर अंदर में ये भी सही है वन अब इसके बाद देखो क्या बोला है ए क्या है जीरो इसमें भी ए जीरो है तो एक्स माइनस जीरो अगर अब हम लोग उसको उस फॉर्म में लिखे एक्स माइनस जीरो बाहर में C C क्या है वन बाय डेल्टा है है ना क्योंकि अगर वन बाय डेल्टा होगा तभी वो कैंसिल आउट होगा और B एक सेकेंड हाँ और B है डेल्टा लामडा बाय डेल्टा लामडा बाय डेल्टा और इधर है वन बाय डेल्टा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा अगर तुम लोग इसको ए बी सी के फॉर्म में लिखेगा एंड सी के लिए यहां एक सी भी है ये है तुम्हारा वन बाय सी वेर सी इज वन बाय डेल्टा तो वो ऊपर चला जाएगा डेल्टा इसके बाद इसके बाद जो स्टेप लिखेगा ना उसमें ए बी सी के फॉर्म में लिखना वेर ए दिस 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 बी एंड सी बस इसके बाद वाला जो स्टेप है देख लो इसको तो इसमें खाली एक चीज जो था हम लोग का कि वो सी डी एफ जो है वो पहला यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का लेना है यहाँ टू पैरामीटर परेटो का लेना है एंड फिर वैल्यूज सब्सट्रीट्यूट करना है इसके बाद बोल रहे हैं एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ योर सिग्निफिक्स इन पार्ट वन बायसिडरिंग द लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वैन एंड टेंस टू इन्फिनिटी तो इफ एंड टेंस टू इन्फिनिटी हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या क्वेश्चन पेपर में जाते हैं ये तुम लोग कर लो अच्छा पहले कर लिया तुम लोग करो करो ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है बोलो हाँ कौन से चैप्टर का है क्वेश्चन नहीं करेक्ट ईवीटी का है कैस किया है बट ये तुम लोग ईवीटी में नहीं पढ़ा था ये पूरा डिराइव नहीं कहते ब्लॉक मार्क्स से याद है ये क्या है ये इसका मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू वेर एक्स फॉलो सम्रीब्यूशन एक्स फॉलो परेटो हम लोग है तो ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स नीड्स टू बी लेस दैन दिस ऑल द एन वैल्यूज अगर आपके पास एन है तो आप टू डी टूटी पार एन कर दोगे याद आया अब एन टेंस टू इंफिनिटी बोला है तो इसका क्या मतलब है कि आप इनफाइनाइट नंबर्स ले रहे हो इनफाइनाइट एक्स का वैल्यूज ले रहे हो तो आपका प्रोबेबिलिटी कहां टेंड करेगा बताओ कैसे करेंगे <coughs> सोचो इसको और हिंड दे दिया ये तुम को पहले तो एक लाइन में समझाना ये है क्या दिस इज अ ब्लॉक मैक्सिमा वेदर मैक्सिमा इज बीटा एन एक्स प्लस एल्फा एन फॉर एन ऑब्जर्वेशन एन टेंस टी आप इनफाइनाइट ऑब्जर्वेशन ले रहे हो फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रॉम द परेटो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो हम लोग क्या बोलते हैं ऑल द वैल्यूज ऑल द ऑब्जर्वेशन शुड बी लेस दैन इक्वल टू बीटा एन एक्स प्लस एल्फा एन इफ एन टेंस टू इन्फिनिटी आरएचएस को समझाओ क्या होगा कहा एन आर ए एक तो एन इधर है एक एन इधर है अगर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे दैट इट टेंस टू तो इंफिनिटी ये वाला वन बाय इंफिनिटी क्या होता है तो ये पूरा विल बी वेरी क्लोज टू तो जीरो तो ये वन हो जाएगा है ना सो द प्रोबेबिलिटी विल टेंड टू वन सोचो और क्या बोल सकते हैं कैसे रिलेट करेंगे हम इंफिनिटी है बोलो हाँ हाँ इन लोग को सोच रहे इन लोग लिख रहे हैं इन लोग कमेंट कर रहे है बैठा पहले लिखो इतना कमेंट लिखो फिर आएगा नेक्स्ट लाइन बस एक कन्वर्ज वर्ड सीख लिया तो कन्वर्ज कोई कन्वर्ज नहीं है कन्वर्ज ये वाला चीज याद है पेज नंबर थ्री ऑफ टेबल बुक एज लिमिट अरे द डॉट नहीं आता है एन टेंस टू इंफिनिटी दिस इज इक्वल टू ई टू दार तुम लोग टेबल बुक ही नहीं लेके आए और तुम लोगों को कुछ याद भी नहीं है रूम थ्री से भाग के टेबल बुक लेके आ तो वो जो कबर्ड लेफ्ट में है उसमें दो तीन टेबल बुक लो क्या होता है ए टू दी पायर क्या होता है एक्स होता है हाँ ना तो यहां आपका एक्स कौन सा पार्ट है यहां आपका एक्स ये पूरा पार्ट है इंक्लूडिंग होल टू दी पार वन माइनस सी या आपका वन बाय एन हुआ अब इधर माइनस एन है तो उधर माइनस एक्स हो जाएगा तो मतलब एज एन टेंस टू इन्फिनिटी एक ही लेके आया दो तीन लाने बोला था सेल्फिश है ठीक है रुक जो भी बैठो क्योंकि बोल दिया है मानसर इतना टाइम नहीं है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी सुनना आई विल नॉट राइट

लिखना स्टार्ट करो ये हम लोग कौन सा ब्लॉक मैक्सिमा तो तुम लोग बोल दिया हम लोग जीवी और जीपीडी किया था याद है ये जीवी का डिस्ट्रीब्यूशन है जहां इस फॉर्म में आया था जीवी इस फॉर्म में जनरलाइज एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन ये इसी फॉर्म में आया था जीवी एक्स बाय होता है मेरे ख्याल से शायद ये वाला एक्स बाय होगा क्योंकि plus X होता है ना क्योंकि वन प्लस एक्स होता है इधर लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी वन प्लस एक्स टू दी टेबल बुक से टेबल बुक खोलो पेज नंबर थ्री या सिक्स पता नहीं क्या था थ्री इधर इधर पेज नंबर टू में हाँ यही तो ई टू दर एक्स इज वन प्लस एक्स पेज नंबर टू है ऑफ टेबल बुक में दी है। अब देखो ये लिख दू तो क्या पूरा इट इफ एन टेंस टू इन्फिनिटी दिस विल टेंट टू ई टू दी पावर माइनस वन बाय एन वन प्लस सी एक्स माइनस ए बाय टू दी पावर वन बाय सी अब पहला पार्ट में ए का वैल्यू क्या है बोलो फॉर द फर्स्ट पार्ट का वैल्यू क्या है तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस सी के जगह पे अपने क्या लिखेंगे सी माइनस वन है तुम लोग को ये क्लियर है विजिबल है अभी माइनस एक्स बी क्या वन तो खाली ये हो गया सी क्या ये वन हो गया ये हो जाएगा वेन एन टेन्स टू इन्फिनिटी दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन विल टेन टू ई टू दीपा माइनस वन बाय एन होल इन टू वन माइनस एक्स जीवी में तीन डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा था फ्रेशे वेबल एंड तीन डिस्ट्रीब्यूशन था जीवी में एक्सपोनेंशियल ये वाला कौन सा है ये वाला कौन सा है और फिर एक टेबल बनाया था अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है तो वो फ्रेशे होगा या वेबुल होगा या एक्सपोनेंशियल होगा याद है वो टेबल समराइजिंग टेबल दिस इज यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म का कौन सा था इफ यूर रिमेम्बर बोलो खोलो तुमने मटीरियल खोलो कहीं कुछ तो खोल के बताओ मटीरियल कॉपी जहां भी लिखा है मटीरियल का पी डी एफ तो होगा ही ये देखो और सेकेंड पार्ट इसका देखो सेकेंड पार्ट में दिस विल बिकम ई टू दी पार माइनस वन बाय ए जीरो है सी वन बाय लैमडा है सॉरी डेल्टा है इन टू एक्स बी क्या है तो डेल्टा डेल्टा एनी वेज कैंसिल क्या होगा क्या होगा बोलो एक्स बाय लमडा होल टू दी पावर हाँ और ये कौन सा फॉर्म है देखिए बताओ पहला वाला कौन सा है और दूसरा वाला कौन सा है चैट बॉक्स में रिप्लाई करो सब लोग टेबल तुम लोग इतना स्लो है मटेरियल का पीडीएफ से देख के बताओ ना फटाफट और आई थिंक एक सेकेंड आई थिंक किसी और चीज से हमें मतलब है हाँ ही नहीं हमें खाली किससे मतलब है इससे मतलब है सी से मतलब है दिस पार्ट इज द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ये जो सी वाला पार्ट है क्या बोल रहे तुम वन माइनस हाँ वन माइनस करना भूल गया इधर ये वन प्लस हो जाएगा अरे वन प्लस ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है मतलब ये वाला ये वाला एक जगह माइनस एक जगह प्लस है एक में माइनस था एक में प्लस था एक्सपोनेंशियल है ही नहीं क्योंकि एक्सपोनेंशियल में ए टू दीपा माइनस ई टू एक्स वैसा था तो ये फ्रेशे या वेबुल है पहला वाला में सी इज नेगेटिव तो सी नेगेटिव मतलब वन माइनस एक्स आ रहा है ना इधर तो सी नेगेटिव है ये वाला जो सी है ये आपका नेगेटिव है सो दिस इज योर वेबुल और सेकेंड वाले में सी पॉजिटिव है ये वाला तो इस फ्रेशे परेटो इज फ्रेशे यूनिफॉर्म इज वेबुल वेरी वेरी पोअरली आंसर्ड क्वेश्चन इन एग्जाम तुम लोग को ये पता चल गया ईवीटी है अब तुम लोग का सबसे पहला चीज होना चाहिए था ईवीटी खोलो ये पूरा सॉल्व कर लिए। ईवीटी में हमने दो चीज पढ़ाई जीवी जीपीडी ये जीवी है नेक्स्ट चीज आया कि जब आप बोल रहे हो एक्सपोन एन टेंस टू इन्फिनिटी तो जब एन टेंस टू इन्फिनिटी ये पार्ट आ गया मतलब ई e पार ये वाला पूरा पार्ट आ गया आप लोगों का ये पूरा पार्ट आ गया अब ये आ गया अब इसमें सिंपली तुम लोग देखना है तीन था सी जीरो सी नेगेटिव सी पॉजिटिव सी जीरो एक्सपोनेंशियल, सी नेगेटिव पॉजिटिव फ्रेश नेगेटिव का क्या मतलब है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का अपर टेल क्या होता है फाइनाइट होता है वेबुल टाइप जीवी और का हैवी टेल होता है जबकि तुम लोग लो जब लो का न्यू चैप्टर्स काफी वीक है क्योंकि न्यू चैप्टर से डिफिकल्ट एनीवेज आएंगे मिनट्स ब्रेक right, तुम लोग ये कर लो यहाँ से अगर तुम लोग देखना है कमेंट बहुत अच्छा से इन्होंने भी लिखा है कमेंट्स इस बार तो तुम लोग इसका कमेंट्स गो थ्रू कर सकते हो

ये रीड कर लो